हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आम का पन्ना बनाने जा रहे हैं। अभी कच्चे आम का अच्छा सीजन चल रहा है। कच्चे आम का पन्ना बनाने के लिए हमने ये आधा केजी कच्चा आम लिया है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके उसका छिलका निकाल के उसके पीसेस करके कुकर में 4-5 मिनट के लिए उसे बॉईल करके लिया है। जितना हमने आम लिया है उतना ही हमने शुगर का क्वांटिटी लिया है, मतलब 500 ग्राम आम है, 500 ग्राम ही हमें शुगर लेनी है। उसके साथ में हमें लगेगा ये 1 टीस्पून हमने सादा नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने काला नमक लिया है, 1.5 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, और ये हमने 7-8 इलायची ली है जिसे हमने बारीक क्रश करके लिया है, ये 1 नींबू का रस है, और 1 मुट्ठी हमने पुदीना पत्ती ली है। तो आइए कच्चे आम का पन्ना बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे मिक्सी के जार में सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। ये मैं कच्चा आम पहले इसमें डाल लेती हूँ। इसके साथ में ही ये हम शुगर इसमें ऐड करेंगे, शक्कर। ये पुदीना पत्ती है, इसे हमने वॉश करके लिया है। नींबू का जूस है, और सभी चीजें जो हमने ली है ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स करके हम मिक्सी में से पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मिक्सी के जार में अच्छे से मिक्स करके लिया है। ये इतना टेस्टी लगता है, ऐसा भी खाने में बहुत टेस्टी रहता है। तो अभी हम इसका पानी डाल के पन्ना बनाएंगे। ये जो हमारा कच्चे आम के पन्ने का कंसंट्रेटेड तैयार हो चुका है, उसे हम छाननी में से छान लेंगे। ये इस तरह से हम छाननी में से छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आम पन्ना कंसंट्रेट हमने छाननी से छान लिया है। अभी हम इसका पन्ना बना लेते हैं। तो उसके लिए ये 3-4 चम्मच हम कंसंट्रेट जो बनाया है उसको ग्लास में डाल लेते हैं। आपको जैसा चाहिए, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। अभी इसमें हम ये आइस के क्यूब्स डालेंगे। थोड़ा ठंडा पानी डाल के हम इसका पन्ना बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पन्ना बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। इसे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे। ये बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए, थोड़ा से पुदीना पत्ते डालेंगे, ऐसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आम का पन्ना बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पाचक है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।